अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और अपने अपने घरों में खैर वाफियत से सब ठीक होंगे। टुडे इज 3rd of June एंड इट्स 5 PM। तो शाम का टाइम आपको पता है पाकिस्तान में जो है थोड़ा सा ठंडा होता है, नॉर्मली धूप कम हो चुकी होती है और मोस्टली पीपल इसी टाइम में बाहर शॉपिंग करने निकलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं फोर्ट्रेस स्टेडियम और ये शामी रोड पे वाक़े है लाहौर के। एंट्रेंस के लिए फॉर कार्स इट्स 40 रुपीज़ एंड फॉर बाइक्स इट्स 20 रुपीज़। और बेसिकली ये एक शॉपिंग सेंटर आप समझ लें, कैफ़ेज़ भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं और ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये आर्मी के कैंट में आ जाता है एरिया और यहाँ पे चेक पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये आप देखें कि एक तरफ से जो है ये सारा शॉपिंग मॉल है, हर तरह के ड्रेसेस मिल जाएंगे, हर तरह की ज्वेलरी शॉप्स हैं। अब यहाँ पे मैं बच्चों के आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ, आप ये देखें कि बिल्कुल न्यू स्टाइल में, जैसे कि आप नॉर्मली शादियों पे वेयर करते हैं या फिर ईद पे पहने जाते हैं कपड़े, तो इस तरह से इन्होंने शरारे बनाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं फॉर किड्स। ये आपको मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स साथ साथ दिखाती जाऊंगी कि कुछ शॉप्स में मैंने क्लिप्स बनाए थे। तो ये आप देख सकते हैं ये एक और शॉप है, इसमें इस तरह से ड्रेसेस थे बच्चों के, ये बड़ों के ड्रेसेस हैं, ये मोस्टली जो है वो शादियों पे पहनने वाले कपड़े हैं। वैसे आपको हर तरह के ही कपड़े मिल जाते हैं, नॉर्मली जो आजकल सीज़न चल रहा है दैट समर, तो मोस्टली ड्रेसेस समर के थे। आप देख सकते हैं कैसे ड्रेसेस हैं, हर तरह के कलर्स हैं, डिज़ाइंस हैं। मुझे फोर्ट्रेस जो है ना वो इसलिए पसंद है कि इसमें डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब स्टाइलिश ड्रेसेस होते हैं, सिंपल सिंपल नहीं सिए होते। यहाँ पे देख सकते हैं ये बाइक्स खड़ी हैं और ये बाइक्स की पार्किंग है, बहुत ज़्यादा बाइक्स का रश था यहाँ पर। और अब हम जी मैकडोनल्ड्स आ गए हैं, तो जी शॉपिंग करते हुए भूख भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है, ख़ासकर जब आप चल चल रहे हो। आप देख सकते हैं ये जो है कितना बड़ा शॉपिंग मॉल है, इस तरह से ये ओपन है, इट्स नॉट लाइक मॉल, लेकिन ये एक सेंटर आप कह सकते हैं कि ये ओपन है एरिया और इसमें जो है वो एक साइड पर सारी दुकानें हैं। तो सामने जो है वो प्ले एरिया भी था, मैकडोनल्ड्स था, ये जी हमने ले लिया है, फिर हमने कुछ खाने को भी ले लिया। यहाँ पे काफ़ी मशहूर है जेदी बिरयानी, के देख सकते हैं आप। बस एग्ज़िट करते हुए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आते हैं क्योंकि शॉपिंग करते हुए थक जाते हैं लोग। ये इस तरफ बंदू खान है और दूसरी तरफ जो है जेदी बिरयानी, तो आप उधर बैठ के भी खा सकते हैं और टेक अवे भी कर सकते हैं। और यहाँ से जो है एग्ज़िट बनता है इस तरह से, लेफ़्ट साइड पे शॉपिंग मॉल भी है, उसके अंदर जाके हर तरह की ग्रॉसरी अवेलेबल है और हर तरह के ब्रांड्स। तो उधर हम अंदर नहीं गए लेकिन इस तरह से हमारी ऑलरेडी बहुत सी शॉपिंग बाहर से ही कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम जी वापसी का रास्ता, ये देखें जी कितना रश है, मौसम भी काफ़ी अच्छा था और जाहिर सी बात है लाहौर है तो फिर लाहौर में लोग तो होंगे। दैट्स आवर शॉपिंग। और ये है जी जेदी बिरयानी, इन्होंने साथ में खीर भी दी थी, ये आप देख सकते हैं, दैट्स वेरी टेस्टी। एक्चुअली इट्स स्पाइसी, मैं अगर 100% ट्रू रिव्यू दूँ तो काफ़ी स्पाइसी थी, जिनको स्पाइसी खाने पसंद है उनके लिए तो परफेक्ट, बहुत मज़े की। तो चलें जी, ये था आज का व्लॉग एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।